एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एम मेडिकल। सो आज हमारी पोलियो ड्यूटी लगी हुई है, और पोलियो ड्यूटी जैसा आप लोग जानते हैं कि टू टाइप्स में हम करते हैं, एक होता है डोर टू डोर और एक होता है बूथ। तो आज हम बूथ बनाए हैं, और ये स्लम एरिया है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे स्लम एरिया। ये स्लम एरिया मेनली क्या होता है, ये स्लम एरिया देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आगे क्या होता है कि जितने भी पर्सन होते हैं इनके पास नॉलेज नहीं होता है किसी भी डिजीज और पोलियो या किसी भी बीमारियों के बारे में। तो हमारे जो हेल्थ कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा ही ध्यान देना होता है इस स्लम एरिया पे। तो हम आ जाए हैं यहाँ, पोलियो का बूथ लगाया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी बच्चे हैं 5 साल से कम के, उन सबको हम आज पोलियो ड्रॉप पिलाएं और इंडिया को पोलियो मुक्त परमानेंट के लिए करें। वैसे आपको पता है कि पोलियो का जो कॉज होता है, इसका परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। आप लोग बहुत देखे भी होंगे, पहले रेलवे स्टेशन या गांव घर वगैरह में भी होता था, जब कोई बंदा परमानेंट पैरालाइज हो जाता था और चरपाई या खटिया पे परमानेंट हो जाता था। तो अब हमारे हेल्थ वर्कर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि अब 2011 से पोलियो मुक्त है हमारा इंडिया। 13 फरवरी 2011 में जो लास्ट केस आया था हावड़ा में, उसके बाद अभी केस नहीं आया है। बट हमें पोलियो इसलिए पिलाना है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे जो पास के कंट्री है वहाँ आज भी पोलियो है, तो वो आ सकता है पर्सन टू पर्सन। सो इसलिए आज भी इंडिया में हम पोलियो अर्ली टाइम, मतलब पर ईयर हम थ्री डेज या 4 डेज का ये प्रोग्राम रखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये होता है, तो इसमें हमारा यही होता है कि 3 to 4 डेज में हमें कवर करना होता है सारे एरिया को पर साल में एक बार, और पोलियो ड्रॉप देने होते हैं। तो आइए, यहाँ जो स्लम एरिया है, यहाँ यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा वगैरह के जितने भी पर्सन हैं वो लोग रहते हैं। तो इन लोगों को आप देख सकते हैं, इनको हमें पोलियो ड्रॉप पिलाना है, मेनली हमारा यही कार्य है। आप लोग पोलियो ड्रॉप पियोगे ना? हाँ, पोलियो से मुक्त होना चाहिए कि नहीं इंडिया? तो आप लोग पियोगे कि नहीं? पीना है ना? हाँ पीना है, और पोलियो को दूर करना है। अच्छा, इनसे पूछते हैं, पोलियो आप तो जानते ही हैं। पोलियो आपका एक कोई पर्सन देखे हैं जिस जो पोलियो से पीड़ित हो या पोलियो कॉज किया उसे? मैंने पहले किया नहीं। हाँ हाँ, अब मालूम होगा। हाँ, अब इनको मालूम होगा। तो ये दो बूंद पिलाने पड़ती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे वर्कर्स तक भी ये नॉलेज पहुँच गया है कि हाँ पोलियो पीना है और बीमारी को दूर करना है। तो अब इधर आप दिखाइए कैमरामैन। चलो बच्चे, जो पोलियो का नारा है दो बूंद बोलो, पोलियो ड्रॉप पिएंगे हम और इंडिया को पोलियो से मुक्त करेंगे हम। हाँ जोर से बोलो, जोर से। हाँ, दो बूंद जिंदगी का, जोर से बोलो, दो बूंद जिंदगी का विक्ट्री। पोलियो पीना है ना सबको? हाँ, और पोलियो मुक्त करना है देश को। हाँ, और साथ ही साथ आप सभी को पढ़ने भी जाना है। जाओगे? बोलो कि हम आज से पढ़ने जाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट आए, हॉस्पिटल और स्कूल इधर है, आप जाते हो? अंकल जी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को भेजना है पढ़ने के लिए। सर भेजता हूँ। हाँ बिल्कुल भेजना है, यहाँ से भेजता हूँ। हाँ सर जी, यहाँ से राहत है हम। तो आज से सभी बच्चे जाएंगे। हेल्थ वर्कर इधर है, हेल्थ वर्कर्स हैं। हमारा स्लोगन ये है कि हम हैं पोलियो के सिपाही, और नहीं मचने देंगे अपने भारत में पोलियो से तबाही। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।